अभी तक हमारा जो एडमिशन का इस साल का जो NEP के अंडर जो प्रोसेस चल रहा है उसमें दो कैटेगरी की एडमिशन्स हो रही हैं। एक तो वो बच्चे जिन्होंने CUT जो है एंट्रेंस के थ्रू आ रहे हैं, तो एंट्रेंस में हमारे अभी तक उसके दो राउंड्स हुए हैं, तो टोटल हमारी जो उसमें CUT के थ्रू जो एडमिशन्स हुई है अभी तक कॉलेज में वो हुई है 680। तो और दूसरा जो है नॉन CUT, जो बच्चे अप्लाई किसी वजह से नहीं कर पाए थे उसमें एंट्रेंस टेस्ट में एग्ज़ाम, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन रखा था कि वो भी अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं और उनकी एडमिशन भी पैरेलल हो रही है। उनके लिए 20% उन्होंने गवर्नमेंट ने ये हमें हायर एजुकेशन की तरफ से डायरेक्शन थी कि 20% सीट्स जो हैं नॉन CUT को थ्रू फिल करनी उस कोटा के थ्रू। तो अभी तक उसमें हमने 3 राउंड किए हैं नॉन CUT में, तो उस कैटेगरी में हमारे पास अभी तक जो है 106 बच्चों की एडमिशन हुई है। तो साथ ही साथ में हमें ये कहा गया है कि जो नॉन CUT की एडमिशन है आपने इसको 5th जो है सितंबर तक उसको कंप्लीट करना, तो उसके लिए हमने क्या किया, अभी हमारे पास आज जो है हमने सभी जो हमारे पास जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे उनको हमने इनवाइट किया है, और 75% से ऊपर जो भी परसेंटेज है जनरल कैटेगरी में तो उन सभी को हमने काउंसलिंग के लिए बुलाया है, और हमारे पास 100 जो अभी सीट्स जो हैं वो नॉन CUT कैटेगरी में हमारे पास अवेलेबल हैं। तो वो जो भी जितने भी स्टूडेंट्स आ जाएंगे वो सभी के एडमिशन हमें उम्मीद है कि आज 100 स्टूडेंट्स नॉन CUT में और हो जाएंगे। और इस तरह से हमने कल जो है 5th सितंबर को जो है कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं जो नॉन CUT में जो रह गए हैं उनको हम उनको बुलाएंगे और उनकी काउंसलिंग करके पूरे के जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल जो वैकेंट सीट्स हैं उन सभी को हम फिर उसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो है CUT में जो बच्चे रह गए हैं तो उनके लिए अब आप किसी वजह से वो फ़ी डिपॉज़िट नहीं कर पाए या लेट हो गए, कोई भी रीज़न था, तो उसके लिए एक स्पॉट राउंड जो उनका नॉन CUT के लिए जो भी है उसका प्रोसेस इनिशिएट करेंगे। वो स्पॉट राउंड जो चलेगा उसका डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज़ के हमारे कॉलेज में कितनी वैकेंसीज़ हैं वो स्मार्ट पोर्टल पर आ जाएगा, जितनी भी वैकेंसीज़ होंगी वो सारी वहाँ पर डिस्प्लेड होंगी। उसके हिसाब से स्टूडेंट्स जो है अपना प्रेफरेंस चेंज भी कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, उनकी परसेंटेज क्या है, लास्ट कट ऑफ उसमें क्या गया है, तो उसके हिसाब से वो अपने प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हैं और दोबारा से उन्होंने उसमें स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई करना जिस भी कॉलेज में वो करना चाहते हैं उसमें करेंगे। उसी का जो है 5 से 7 तक उनको टाइम मिलेगा अप्लाई करने के लिए। 9th को उनको उसमें जो है डिक्लेरेशन होगी 11 बजे उसको कि जो कितनी सीट्स किस कॉलेज में कितनी सीट्स उसको एलोकेट की जाएंगी। उनके लिए फिर उसको 12 से 14 तक जो स्पॉट राउंड की जो एडमिशन जो CUT कैटेगरी में जो बच्चे रह गए हैं जिनके पे एडमिशन नहीं हुई है जिन्होंने एंट्रेंस दिया था, जितने भी होंगे जितनी वैकेंसीज के हिसाब से वो सभी उसमें 12 से और 14 के बीच में उनको फिलअप किया जाए। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 972825366 3 पर।